हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल अवर लर्निंग फॉर यू। सो गाइस, टुडे वी विल डील विद द मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द पॉलीमर। क्लियर गाइस? सो जो ये वर्ड होता है हमारा गाइस, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये बहुत जानना जरूरी है गाइस, बिकॉज मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये वर्ड का मतलब समझ गए ना, तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट नीचे दिया गया है यहाँ पे, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे वो पूरा इजिली क्लियर हो जाएगा गाइस। क्लियर? हमारे टेक्स्ट बुक में ये गाइस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया गया है। मैं इसको इजिली, मतलब इसका इजी डेफिनेशन एंड इसका इजी जो पार्ट होता है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलरेडी मैं लिख के रखा है। बिकॉज गाइस, जिस वे से ये टेक्स्ट बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है गाइस। क्लियर? सो गाइस, चलो देख लेते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता क्या है। बिकॉज जैसे हमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बाद पॉलीमर ही पढ़ना है, तो दोनों सेम ही टर्म है, दोनों एक्चुअली देखा जाए तो दोनों सेम टर्म है, बट पॉलीमर पढ़ने के पहले मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है। क्लियर? सो देख लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स डेफिनेशन क्या दिया है गाइस। द मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स whose range of molecular mass is 10 raised to 1 to 10 raised to 12 are called as macromolecules. Clear? तो जनरली ये डेफिनेशन कभी कभी हमें समझता नहीं है। क्लियर? पहले डेफिनेशन क्या बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं गाइस। क्लियर? अब हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो हमें पता है। मॉलिक्यूल मीन्स वर्ड गाइस, द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। जैसे हमारे हाइड्रोकार्बन में क्या होता है गाइस, हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्लियर? इन दोनों देखो ना, इसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन है, यहाँ पे क्या एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बना रहे, मॉलिक्यूल। एंड गाइस, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। व्हाट गाइस? लार्ज और बिग। क्लियर? तो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल बन रहे हैं, बट यहाँ पे इनका जो मॉलिक्यूलर मास का रेंज होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए, 10 रेस टू 1 से 10 रेस टू 12 तक होना चाहिए। क्लियर? देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ गाइस। अभी हमने मिथेन एग्जांपल लिया, CH4। अगर मैं बोलू CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर इसका अगर बोल दू मॉलिक्यूलर मास निकाल तो क्या होगा गाइस? यस, जस्ट वीडियो को पॉज करो एंड मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल के दो CH4 का। सो कार्बन का मास होता है गाइस कितना, 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, बट यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, सो ये होगा हमारा गाइस 16। मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना आया मिथेन का गाइस, 16। क्लियर? बट हमें यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास का रेंज चाहिए ना, और 10 रेस टू 1 से 10 रेस टू 12 तक, मतलब 10 रेस टू तो मिनिमम है, इससे ज्यादा चाहिए, कहाँ तक, 10 रेस टू 12 तक। क्लियर? अभी 10 रेस टू 12 एक काफी ह्यूज नंबर हो जाता है, हमें मॉलिकुलर मास उतना ही चाहिए। तो दिख रहा है यहाँ पे मिथेन हमारा 16, इसका मॉलिकुलर मास कितना है, 16 गाइस। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे जब मॉलिक्यूल को मिलाओगे ना, जैसे मिथेन लिया, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल को मिलाओगे ना, जो हमारा पार्ट बनेगा यहाँ पे, उसको ही बोलोगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है गाइस, एक ट्रेन का डब्बा आपने लिया है, ट्रेन का आपने यहाँ पे जस्ट डब्बा लिया है। क्लियर? अब ये डब्बे को दूसरे डब्बे से जोड़ दो, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर मतलब ऐसे डब्बे से जोड़ते जाओ, तो पूरी ट्रेन बन जाती है। एंड उसका छोटा सा पार्ट ये वाला है ना, ये मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल को क्या किया गया, इसे मैं रिपीट करके जोड़ दिया हूँ, तो हमें एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड मिल रहा है, एंड इसी कंपाउंड को बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का यह रिपीटिंग पार्ट बन चुका है बहुत सारे यूनिट लेके। क्लियर? सो अब ये डेफिनेशन पढ़ो, द मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो ये लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हुज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज 10 to 1 to 10 to 12 are called as macromolecules. And guys, ये further classified है तीन part में. Clear? ये तीन part में. Actually हमारे textbook में ना बस यही दिया है, natural as well man-made. ये हमारे syllabus में नहीं है, but ये just आपके knowledge के लिए मैं बता दे रहा हूँ guys. देखो, जो यहाँ पे ना जो macromolecules है ना, वो naturally भी मिलते हैं, man-made भी होते हैं और semi-synthetic भी होते हैं. ये क्या होते हैं, मैं electron बता देता हूँ. See. अभी नेचुरली यहाँ पे जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो नेचर में मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है गाइस, उसको बोला जाता है नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल। सो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, दीस आर नेचुरली अकरिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जैसे देख लेते हैं गाइस, प्रोटीन्स,
जैसे हमारे बोला जाता है कि ह्यूमन बींग का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना वो प्रोटीन्स होते हैं गाइस। एंड प्रोटीन किससे बने होते हैं गाइस? अमीनो एसिड से। यहाँ पे अमीनो एसिड का लॉन्ग चेन रहता है तब जाके प्रोटीन बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड भी देख लो गाइस, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट रहते हैं और इनका भी लंबा चेन रहता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। रबर ले लो गाइस, रबर कहाँ से मिलता है गाइस? रबर ट्रीज से, क्लियर? तो रबर भी एक तरह का क्या है? नेचुरल मैक्रो मॉलिक्यूल। पॉलीसेकेराइड ले लो, पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब होता है गाइस मेनी, मेनी, और सेकेराइड का मतलब होता है सुगर, सुगर। तो बहुत सारे सुगर से मिलकर ये पॉलीसेकेराइड बना है, क्लियर? अभी ले लो स्टार्च ले लो, और फिर सेल्यूलोज है और सिल्क है। तो ये क्या है गाइस? एक तरह के ये भी सब क्या है? नेचुरली अकरिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। स्टार्च प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, सेल्यूलोज भी ये प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, और सिल्क तो पता रहेगा गाइस आप लोग को। सिल्क कहाँ से मिलता है? एक इसको यहाँ पे आपने सुना रहेगा बॉम्बेक्स मोरी करके, इट्स अ काइंड ऑफ इंसेक्ट जहां से हमें मिलता है सिल्क, क्लियर? तो पहले क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को मलबरी लीव्स खिलाते हैं, एंड जो जब खाता है ना ये बॉम्बेक्स मोरी लीव्स, तो यहाँ पे जो उसका वेस्ट फीकल मटर जो वेस्ट निकलता है ना गाइस, यही वेस्ट जो होता है वही होता है हमारा सिल्क, क्लियर गाइस? तो ये सब नेचुरली अकरिंग है, इसको कुछ कहीं पे इंसान ने बनाया नहीं है, सब नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जैसे हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, और जो कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। अब देख लेते हैं मैन मेड। अभी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं इसको, लैब में, इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल लैब या कमर्शियल लैब जो होता है, या केमिकल लैब जो हमारा, उसमें हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, दीज आर मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी बाय केमिकल प्रोसेस, क्लियर? केमिकल प्रोसेस से हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, क्लियर? एग्जाम्पल देख लो, प्लास्टिक देख लो गाइस, जो आप लोग प्लास्टिक तो अभी तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, प्लास्टिक हो गया, नायलॉन के कपड़े देखे रहेंगे, और सिंथेटिक फाइबर भी देखे रहेंगे गाइस, एंड कुछ नहीं। अभी देख लो सेमी सिंथेटिक क्या होता है? सेमी का मतलब होता है गाइस, सेमी का मतलब होता है हाफ हाफ, एंड सिंथेटिक का मतलब होता है गाइस मैनमेड। मतलब हमारा ये जो मैनमेड है वो आधा, और जो आधा पार्ट रहेगा वो नेचुरली रहेगा। कभी कभी क्या होता है गाइस, हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए कि वहां पे नेचुरली, वहां पे जो नेचुरल जो कंपाउंड जो मिल रहा है हमारा, या मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिल रहा है, उसका भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, और हमारा जो सिंथेटिक का भी। तो दोनों का जब मिक्स पार्ट बनता है ना वो सेमी सिंथेटिक होता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है, और ये क्यों सेमी सिंथेटिक क्यों बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, उसका भी रीजन दे देता हूं। देखो जैसे जो सिल्क है ना, अभी बॉम्बेक्स मोरी से जो सिल्क मिलता है ना, आपने सिल्क का कपड़ा भी देखा रहेगा गाइस, बट ये जो सिल्क जो मिलता है हमें नेचुरली बॉम्बेक्स मोरी से, ये बहुत ही वीक रहता है, वो बहुत ही टूट जाता है, क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं ताकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाए और रिजिड हो जाए मॉलिक्यूल, तब वो टूटेगा नहीं, तब जाके उसका कपड़ा बन सकता है, वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिल्क में ना, जैसे यहाँ पे देखो क्यूपरा अमोनियम सिल्क, तो ये जो क्यूपरा अमोनियम सिल्क है ना, ये क्यूपरा अमोनियम, ये एक तरह का केमिकल है, ये एक तरह का केमिकल है, और इस केमिकल को हम ये सिल्क में ऐड करते हैं। तो केमिकल क्या है हमारा? सिंथेटिक है, एंड सिल्क क्या था? नेचुरली अकरिंग। तो दोनों को मिक्स किया तो हमें मिला क्या? क्यूपरा अमोनियम सिल्क। तो ये एक तरह का सेमी सिंथेटिक है, मतलब आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक। एंड सिमिलरली गाइस, वल्कनाइज रबर एंड एसिटेट रेयन, आपने मार्केट में सुना रहेगा रेमंड क्लोथ्स करके, तो वो क्या रहता है गाइस? सेमी सिंथेटिक एसिटेट रेयन एंड रबर, यहाँ पे भी दिखेगा आपको, बट ये जो रबर रहता है ना वो काफी स्टिकी रहता है। जैसे आप बुक, ये अगर सपोज कुछ लिखे हो, गलत हो गया, आप रफ करने जा रहे हो, तो जो रबर आप यूज कर रहे हो देखा रहेगा कि वो स्टिक नहीं होता पेज पे, बिकॉज गाइस वहां पे हम लोग सल्फर एड करते हैं। हम लोग जब रबर में सल्फर एड करते हैं ना, सल्फर, तो वो रबर ना थोड़ा हार्ड हो जाता है जो आप यूज करते हैं। अगर जो नेचुरली अकरिंग रबर लोगे ना तो पूरा स्टिक हो जाएगा, काफी एकदम स्टिकी रहता है वो, ये वाला रबर, क्लियर? सो आई होप गाइस अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड इसका क्लासिफिकेशन क्लियर हो, देन हम इसके बाद पॉलीमर्स देखते गाइस, पॉलीमर्स होता क्या है, क्लियर? सो इफ यू वॉन्ट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट।
सो गाइस अब पॉलीमर्स देख लेते हैं। बहुत ही इजी टर्म है गाइस कि पॉलीमर क्या होता है, और उसके बाद हम मोनोमर पढ़ेंगे, पॉलीमराइजेशन पढ़ेंगे, देन उसके कुछ एग्जांपल है। बट ये जो वर्ड है ना पॉलीमर, ये बहुत ही जानना जरूरी है, बिकॉज इसी में हमारा पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ है गाइस। सी पॉली, पॉली का मतलब होता है गाइस, यस पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी। और गाइस ये जो मर है ना, मर का पार्ट, ये मर मीन्स होता है पार्ट, पार्ट, और वी कैन से यूनिट, चाहे यूनिट बोलो गाइस या पार्ट बोलो, बिकॉज गाइस ये ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मेनी, एंड मेरोज, ये जो है ना पॉली, पॉली प्लस मेरोज, मेरोज, ये मिलकर बनाया हमारा पॉलीमर, पॉलीमर। ये जो गाइस है ना दोनों ये ग्रीक वर्ड है, ये दोनों हमारा ग्रीक वर्ड है गाइस, ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है गाइस मेनी, क्लियर। और मेरोज का मतलब होता है गाइस, अभी जस्ट मैंने बताया, पार्ट, और आप बोल सकते हैं यूनिट, क्लियर। तो हमें पता चला कि जो पॉलीमर, पॉली है ना, पॉली मतलब मेनी, मेरोज मतलब पार्ट, जो पॉलीमर है वो बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना है, क्लियर। देखो अब यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज में ये टर्म्स को समझाना चाहता हूँ गाइस। देखो अब सेम वही एग्जांपल लेता हूँ ट्रेन वाला। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेन का एक डब्बा बना दिया, अब ये तो मेरा एक पार्ट है, याद रखना है ये एक पार्ट है या एक यूनिट है, बट इसी को मैं दूसरे से जोड़ दू, दूसरे डब्बे से, देन अगेन तीसरे डब्बे से जोड़ दू, तो ऐसे जोड़ते चले जाओ, क्लियर। तो ये एक एक डब्बा क्या हो रहा है, एक एक सा लिंक होते जाएगा, लिंक होते जाएगा, और एक एक डब्बे से क्या हो जाएगा, हमारा पूरा ट्रेन बन जाएगा। आप एक डब्बे को ट्रेन नहीं बोलते हो, बट एक एक डब्बे को अगर जोड़ के पूरा चैन बना दो, तब जाके आप उसे ट्रेन बोलते हो, क्लियर। तो जो एक डब्बा है ना हमारा, एक डब्बा जो एक यूनिट पार्ट है, उसको बोला जाता है गाइस मोनोमर, व्हाट, मोनोमर। और जब मोनोमर को जब ऐड करके एक एक से लिंक करके जो पार्ट बना रहे हो ना, वो होगा हमारा पॉलीमर, क्लियर। सो मुझे ये बता दो गाइस, जो हमारा मोनोमर होगा वो लो मॉलिकुलर वेट होगा कि हाई मॉलिकुलर वेट? यस इट्स अ लो मॉलिकुलर वेट, बिकॉज ये लो मॉलिकुलर वेट कंपाउंड मिल के हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड बना रहा है। एंड हमें पता है जो हाई मॉलिकुलर वेट कंपाउंड होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल। सो हमारा जो पॉलीमर भी है क्या है गाइस, ये एक तरह का मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, क्लियर। नाउ चेक द डेफिनेशन, पॉलीमर्स का डेफिनेशन देख लो। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिकुलर मास कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, और जो सिंपल मॉलिक्यूल है वो हमारे क्या है गाइस, मोनोमर। जैसे ट्रेन का एक डब्बा हमारा क्या है, मोनोमर है, और जब ट्रेन के डब्बे को जो मिला के जो ट्रेन बन रही है ना, वो हमारा क्या है गाइस, पॉलीमर। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मोनोमर। मोनोमर्स आर द लो मोलिकुलर मास कंपाउंड, यस गाइस। अब यहाँ पे देखो ना, ये पूरे का जो मोलिकुलर मास होगा और एक डब्बे का मास होगा, इसका तो बहुत ही कम होगा ना गाइस, इसका बहुत ही लो होगा, बट पूरे का बहुत हाई होगा, क्लियर। लो मोलिकुलर मास कंपाउंड विच कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म पॉलीमर, यस कंबाइन होके तभी तो पॉलीमर बन रहा है ना, तभी तो डब्बा हमारा कंबाइन होके ट्रेन बन रहा है ना। इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पॉलीमर, क्लियर, स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ पॉलीमर। अब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन क्या है गाइस, ये जानते हैं। देखो जब मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होता है ना गाइस, इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे कुछ कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं, यहाँ पे कुछ हीट दिया जाता है, बट अप टू डिग्री गाइस, अप टू ग्रेजुएशन डिग्री, आपको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, नो नीड टू राइट केमिकल, जो केमिकल यूज कर रहे हो या टेम्परेचर या प्रेशर, नथिंग, जस्ट राइट पॉलीमराइजेशन, क्लियर। जैसे हम ऑक्सीडेशन में लिखते हैं ना, अल्कोहल से हम एसिड बना रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था KMnO4। तो यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे मोनोमर है, यहाँ पे पॉलीमर है, एंड इन बिटवीन ऑन द एरो जस्ट राइट पॉलीमराइजेशन, दैट्स इट, नथिंग यू हैव टू राइट, क्लियर। तो हमारा पॉलीमराइजेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर, क्लियर। मोनोमर से पॉलीमर जो बन रहा है, उस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमराइजेशन, क्लियर गाइस। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके। देखो ट्रेन का एक एक डब्बा जोड़ के हम ट्रेन बना रहे हैं, क्लियर, एक एक बोगी को जोड़ के ट्रेन बना रहे हैं।
तो हमने पहला एग्जांपल लिया गाइस, आपके पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 132 पे यहाँ पे टोटल ना 6 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, 6 मॉलिक्यूल पॉलीमर्स के, क्लियर। और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है गाइस बिकॉज इसका डे टू डे लाइफ में बहुत यूजेस है। आप जो चीज यूज कर रहे हैं रोज, जो मतलब डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हो ना, वो हर ना कोई चीज पॉलीमर ही होती है। जैसे मैं प्लास्टिक के जो लिया हूँ अभी, इस प्लास्टिक कंटेनर में जो इंक है वो भी एक तरह का पॉलीमर है, प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर है गाइस, क्लियर। नाउ अब देख लेते हैं गाइस, देखो पहला हमारा एग्जाम्पल है पॉलीमर का, एग्जाम्पल है पॉलीथीन, या जो प्लास्टिक बोलते हो ना आप लोग, वही हमारा पॉलीथीन, क्लियर। चाहे इसको पॉलीथीन बोलो या पॉलीइथीन बोलो, बोथ आर सेम। और इसी को क्या बोला जाता है गाइस, प्लास्टिक, जो आप लोग रेगुलर यूज करते हो, भाजी मार्केट जाते हो तो प्लास्टिक तो अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पहले बहुत मांगते थे। अब यहाँ पे देखो एक डब्बा, यहाँ पे ना देखो वर्ड इसको स्प्लिट करो, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी और क्या है इथीन। अब इथीन का स्ट्रक्चर हमें पता है क्या होता है गाइस, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया ना। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। चलो एक और ड्रॉ कर लो इसके बगल में, देखो एच एच डबल बॉन्ड एच एच, ऐसे बहुत सारे रहेंगे तो बहुत सारे तो हम तो लिखने नहीं जाएंगे ना, इसलिए मैं यहाँ पे देखो CH2+CH2+CH2 अप टू n नंबर ले लिया, क्लियर। देन यहाँ पे एरो पे लिख दूंगा पॉलीमराइजेशन, एरो पे लिख दूंगा गाइस, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पॉलीमराइजेशन, बट आप एग्जाम में कंप्लीट लिखना पॉलीमराइजेशन, क्लियर। तो ये क्या करते हैं, देखो आपस में लिंक कैसे होते हैं, आपस में लिंक कैसे होते हैं, यहाँ पे क्या करना है, जस्ट बॉन्ड को अटैच करना है, बॉन्ड को अटैच करना, वो भी कौन से बॉन्ड को वो देख लेते हैं। कार्बन टू कार्बन जो गाइस बॉन्ड दिख रहा है ना, इसमें से एक बॉन्ड को यहाँ पे हटाना है। जो कार्बन टू कार्बन, याद रखना कार्बन टू कार्बन जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा ना, उसको हमें कन्वर्ट करना है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड में, क्लियर। और ये कैसे है वो देख लो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड था सिंगल कर दो, डबल बॉन्ड था सिंगल कर दो, क्लियर। अब ये प्लस का साइन हटा दो गाइस, अब क्या होगा, इसको कितने बॉन्ड की कम पड़ रही है, देखो कमी कितनी बॉन्ड की पड़ रही है, 1 2 3 एक बॉन्ड की, इसको भी 1 2 3। अब क्या होगा, इसको इससे लिंक कर दो, क्लियर। ऐसे बहुत सारा रहेगा और भी लिंक होने वाला, तो आगे भी लिंक होने वाला रहेगा, और इसके पहले भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे, इसको भी ऐसा लिंक कर दो। तो यहाँ पे देखिएगा एक एक मॉलिक्यूल लिंक हो रहा है, तो देखो यहाँ पे CH2 है, यह CH2 है, ये लिंक हुआ, यह CH2, ये दूसरे से लिंक हुआ, यह CH2, देन अगेन CH2, तो ऐसे बहुत सारे रिपीटिंग पार्ट आने वाले हैं, क्लियर। तो इसी को देखो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है, सो गाइस प्लीज याद रखना, जस्ट डबल बॉन्ड तोड़ के वो दूसरे से लिंक कर देना। देखो अभी यहाँ पे हमारा CH2 एज इट इज है, रिमेम्बर वन थिंग, नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन विल रिमेन एज इट इज, जस्ट बॉन्ड का कमाल है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पे मैंने सिंगल कर दिया, क्लियर। अब क्या हुआ है, देखो ये वाला CH2 का जो डबल बॉन्ड था ना, इससे लिंक हुआ, ये डबल बॉन्ड क्या हुआ गाइस, इससे लिंक हुआ, ये भी डबल बॉन्ड किससे हुआ, इससे लिंक हुआ, अब ये भी डबल बॉन्ड आगे आने वाले मॉलिक्यूल से लिंक हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में एज इट इज दे रहा हूँ, देखो अब इसके पहले भी मॉलिक्यूल अटैच होने वाला है, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, बहुत सारे यूनिट आने वाले हैं, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को कैसे लिखते हैं वो देखो। अब यहाँ पे CH2 कितने सारे, n नंबर ना, तो हम लोग ने CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितना सारा लिया है, यहाँ पे हम लोग ने n टाइम्स लिया है, n टाइम्स, हमें कितना पता नहीं है कितना, बट n टाइम्स लिया है, क्लियर। और इथिन लिया है, इथिन ही लिया है ना, n टाइम्स, यस। इसका पॉलीमराइजेशन किया, अब हमें पता है CH2 अटैच होने वाला है पीछे से और आगे से भी अटैच होने वाला है, क्योंकि ये रिपीटिंग यूनिट्स है, क्लियर। मतलब ये बीच का पार्ट में CH2 ले रहा हूँ, ये आगे से भी अटैच होने वाला है, पीछे से भी अटैच होने वाला है, बहुत सारे यूनिट्स है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो CH2 एक एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल लिया है और इसी को मैंने यहाँ पे एन लिख दिया कि वो भाई रिपीट होने वाला है, आगे मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, क्लियर। तो इस पार्ट को इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। तो ये हमारा इथीन हो गया, ये एक इथीन है, मैंने एन टाइम्स लिया है, एक ही इथीन है ना, बट एन टाइम्स लिया है, बट ये क्या हो गया, रिपीट होके आपस में लिंक होके बहुत सारा इथीन बन चुका है। तो ये इथीन तो है बट आपस में रिपीट हो गया ना बहुत सारा, मतलब ये बहुत सारे बन गए हैं पॉली इथीन,
और इसी को बोला जाता है गाइस पॉलीथीन और प्लास्टिक। कहाँ लिखा गाइस? यस यहाँ पे लिखा है प्लास्टिक। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपका पहला एग्जांपल था पॉलीथीन, और ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है गाइस? यस, इसको आपने देखा रहेगा कैरी बैग्स बनाते हैं ना, कैरी बैग्स, और क्या है गाइस स्पोर्ट्स के जो वियर होते हैं ना, स्पोर्ट्स वियर। तो गाइस ये प्लास्टिक बहुत यूज होता है कैरी बैग्स बनाने में, स्पोर्ट्स वियर बनाने में पॉलीथीन बहुत ही यूज होता है। क्लियर गाइस? अब नेक्स्ट पॉलीमर देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया गया है पेज नंबर 132 पे। क्लियर? सो नेक्स्ट देख लेते गाइस। सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, इसके बाद हम दूसरा देख। सो हमने अभी जिस पॉलीथीन देखा, जो हमारा नेक्स्ट है गाइस वो है पॉलीस्टाइरिन। क्लियर? अब पॉलीस्टाइरिन ये क्या होता है वो जानना जरूरी है, बिकॉज पॉलीस्टाइरिन का जब स्ट्रक्चर आ जाएगा गाइस तो आप लोग इसका पॉलीमराइजेशन इजीली कर सकते हो। देखो अभी हमने क्या ड्रॉ किया था, पॉलीइथीन, और ये किससे बना था, इथीन का रिपीटिंग यूनिट था। तो जस्ट इथीन ही ले लो गाइस, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH, ये है क्या हमारा, ये हमारा इथीन है। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना, अब ये इथीन का एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ और इसकी जगह पे गाइस मैं बेंजीन रिंग लगा रहा हूँ। व्हाट गाइस? बेंजीन रिंग। क्लियर? अब ये जो कंपाउंड बना ना, ये कंपाउंड, ये इथीन नहीं रह चुका अभी, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा गाइस, इसको बोला जाता है स्टायरीन। व्हाट गाइस? स्टायरीन। क्लियर? तो देखो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि स्टायरीन कैसे बना, मतलब CH2 मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और बेंजीन लगा दो, जो पार्ट बनेगा वो क्या होगा, स्टायरीन। अब क्या कर दो, ये हमारा एज अ मोनोमर ले लो, ये हमारा मोनोमर ले लो। क्लियर? मोनोमर लिया, अब इसका पॉलीमराइजेशन कर दो ना। तो देखो मैंने यहाँ पे वही मॉलिक्यूल लिया है, याद रखना ये जो पार्ट है ना इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, C6H5, और ये लिंक है। क्लियर? तो देखो मैंने यही सेम वे से वही लिखा है, ये हमारा मोनोमर है, एंटेंस लिया, पॉलीमराइजेशन किया, और हमें याद रखना स्टायरिन से पॉलीस्टायरिन मिला है, ये स्टायरिन था और बहुत सारे मिल रहे इसीलिए पॉलीस्टायरिन। क्लियर? और यहाँ पे एम क्यू लिखा, बिकॉज ये आगे रिपीट होने वाले हैं। क्लियर गाइस? और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, आप लोगों ने थर्मोकोल देखा रहेगा, व्हाइट कलर का स्मॉल स्मॉल ग्रेनुलर पार्टिकल से बना रहता है, तो जो थर्मोकोल होता है वो बेसिकली पॉलीस्टायरिन से ही बना होता है। क्लियर? या उसके मैन्युफैक्चरिंग में पॉलीस्टायरिन लेते हैं। जो हमारा थर्ड है गाइस वो है पीवीसी, आपने बहुत एड दिखा रहेगा टीवी पे, पीवीसी पाइप्स करके आता है, एस्ट्रॉल पाइप्स करके आता है। एस्ट्रॉल पाइप्स किसका बना होता है, पीवीसी का ही बना होता है गाइस, उसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ना उसमें पीवीसी रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीवर्ड हटा दो, विनाइल क्लोराइड दो, मतलब इसका जो सिंगल यूनिट रहेगा ना वो विनाइल क्लोराइड रहेगा। अब विनाइल क्लोराइड क्या है, ये विनाइल क्लोराइड क्या है, बहुत इजी है। देखो सिमिलरली गाइस सेम वही ले लो, इथिन ले लो, अब क्या करो इस इथिन का एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस किए हो ना, अब इसकी जगह पे जस्ट क्लोरीन ऐड कर दो, जैसे फिनाइल रिंग लिया था ना हमने, क्लोरीन लिया, तो इसका नाम हो जाएगा गाइस विनाइल क्लोराइड। अब क्या करो इसको ही पॉलीमराइज करो, देखो हमने विनाइल क्लोराइड लिया है। क्लियर? और यही हमारा जस्ट कितना एन टाइम्स लिया और यही हमारा पॉलीमराइज हुआ है, तो इसको क्या बोला गया, विनाइल क्लोराइड तो है बट बहुत सारे ना, तो इसलिए पॉली विनाइल क्लोराइड। और ये कहाँ पे यूज करते हैं गाइस, पाइप्स बनाने में, मैट्स, आपने देखा रहेगा वो जो मैट्स आते हैं ना, बहुत सारे डिजाइन रहते हैं, प्लास्टिक्स के ही रहते हैं बट बहुत सारे डिजाइन रहते हैं मैट्स, तो वो पाइप्स, ट्यूब्स और बकेट, ये किसके बनते हैं गाइस, पॉलीविनाइल क्लोराइड के। हमारा जो बारिश में रेनकोट भी होते हैं ना, ये भी मटेरियल यूज किया जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। सिमिलरली गाइस क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ पे क्लोरीन है ना उसकी जगह पे साइनाइड ग्रुप लगाना है, CN। अब इसका जो नाम हो जाएगा ना, इसको बोला जाता है एक्रिलोनाइट्राइल। अब इसकी इसको क्या बोलते हैं गाइस, एक्रिलोनाइट्राइल। क्लियर? एक्रिलोनाइट्राइल। अब यहाँ पे इसका पॉलीमराइजेशन कर दो, वही सेम वही वाला लिया है गाइस, यहाँ पे हमारा CH2C CH और यहाँ पे CN है, याद रखना CH क्यों है, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और साइनाइड ग्रुप लगा है। पॉलीमराइजेशन के कितने एन टाइम्स लिया है, तो हमें ये एन नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट पार्ट मिलेगा। क्लियर? और इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है गाइस, यस ब्लैंकेट्स बनाने में। क्लियर? तो ये तो हमारा क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल है, ये एक्रिलोनाइट्राइल हो गया गाइस।
क्लियर। अब यहाँ पे हमें ये क्या मिल रहा है, ये एन नंबर बहुत सारे मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा पॉलीएक्रिलो नाइट्राइल। क्लियर गाइस। तो अभी यहाँ पे फोर्थ हो गए और फिफ्थ और सिक्स्थ भी देख लेते हैं गाइस। सो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सी बेटा जो फिफ्थ एग्जाम्पल है वो है हमारा पॉलीप्रोपाइलिन। अभी पॉलीप्रोपाइलिन कैसे बनता है, सिमिलरली हमें क्या लेना है, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। ये वाला भी हाइड्रोजन ऐसे दिखा सकते हो आप लोग, H और H। अब करना क्या, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और इसकी जगह पे हमें लगा दो ये कौन सा CH3 ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है गाइस, मिथाइल ग्रुप। व्हाट, मिथाइल ग्रुप। और ये जो कंपाउंड बना ना इसको ही बोला जाता है क्या गाइस, यस प्रोपाइलिन। क्लियर। अब क्या करोगे, यही मोनोमर ले लो और ये मोनोमर कितना टाइम्स लोगे, एन टाइम। इसको पॉलीमराइज करोगे तो क्या बनेगा, पॉलीप्रोपाइलिन। एंड इसका यूजेस कहाँ पे गाइस, बहुत इसका यूजेस है कहाँ पे, फर्नीचर बनाने में, इंजेक्शन सीरीज बनाने में। क्लियर। और यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट भी लगते हैं गाइस, तो पॉलीप्रोपाइलिन का यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट कंपाउंड। क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन गाइस, प्लीज नाम अच्छे से पढ़ना, पॉलीटेट्रा का मतलब होता है फोर, टेट्रा मीन्स फोर, फ्लोरो का मतलब होता है फ्लोरीन, मतलब चार, फ्लोरीन नाम से ही पता चल रहा है। और इथिलीन, इथ का मतलब होता है दो कार्बन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये कैसे बनता है, सेम अब मैंने वहां पे लिखा है ना ये वाला सेम, अभी पूरा हाइड्रोजन हटा दो। अब क्या करो, यहाँ पे पूरा हाइड्रोजन हटा दो। क्लियर। अब क्या हुआ है, आपको करना क्या है, ऑल हाइड्रोजन की जगह पे फ्लोरीन एटम अटैच कर देने हैं, फ्लोरीन। तो ये कैसे दिख रहा, देखो CF2 डबल बॉन्ड CF2, और इसी को बोला जाता है गाइस टेट्राफ्लोरोइथिलीन। टेट्रा मीन्स फोर और हमने फ्लोरीन कितना लिया है, यस चार ही लिया है। तो नाम देखो टेट्रा फ्लोरो मतलब चार फ्लोरीन और इथिलीन। क्लियर। और इसी को, इसी पॉलीमर को क्या बोला जाता है, PTFE। और इसका बहुत ही फेमस नेम है गाइस, इसको टेफ्लॉन भी बोला जाता है। व्हाट, टेफ्लॉन। देखो वही वाला पार्ट एज इट इज लिया है मैंने, और कितना टाइम्स हमें लेना है यहाँ पे, एन टाइम्स लेना है। इसका पॉलीमराइज करोगे तो ये क्या रिपीटिंग पार्ट बनेगा ना यहाँ पे, और इसी को क्या बोला जाता है गाइस, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथिलीन। और इसका गाइस बहुत ही अच्छा यूज है। देखो अब यहाँ पे जब इस्त्री मारते हो तो नीचे देखा रहेगा आपने ना, कुछ पेंटिंग किया रहता है, बिकॉज अब हीट होता है ना आयरन, तो वो कपड़े को स्टिक ना हो तो उसको बचाने के लिए यहाँ पे कुछ कोटिंग दी जाती है। तो वो जो कोटिंग बनती है ना गाइस, वो टेफ्लोन की होती है। और टेफ्लोन ना इतना, ये ऐसा कंपाउंड है जो हाई टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं होता। क्लियर। या आपने कभी कुकर देखा रहेगा, या अभी जो मार्केट में न्यू यूटेंसिल आते हैं, फ्राइंग पैन देख लो, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का कोटिंग रहता है, वो कोटिंग किसका बना रहता है गाइस, टेफ्लॉन का। तो यहाँ पे लिखा ना नॉन स्टिक यूटेंसिल। क्लियर। आई होप ये अब पॉलीमर पार्ट क्लियर हो। अब नाउ, अब यहाँ पे ना बुक में ना कुछ दो टर्म दिए गए हैं गाइस, एक है होमोपॉलीमर और एक है हेट्रोपॉलीमर। और गाइस हेट्रोपॉलीमर को कोपॉलीमर भी बोला जाता है, कोपॉलीमर। क्लियर। अब यहाँ पे ये क्या है वो देख लेते हैं। अब गाइस प्लीज याद रखना, हमने तो ट्रेन तो बनाया था ना, हमने पॉलीमर तो बनाया था। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, पॉलीमर बनाया था, मतलब ये हमारा मोनोमर था और इसको लिंक करके हमने पॉलीमर बनाया था। मतलब एक एक बॉगी है और बॉगी को हमने लिंक करके हमने क्या बनाया था, ट्रेन बनाया था। क्लियर। अगर गाइस हमारा जो बोगी है ना, सेम काइंड ऑफ है, मतलब इसका जो टाइप है ना वो सेम है। जैसे एग्जांपल पकड़ लो कि हमारा जो मोनोमर है ना वो एक ही टाइप का। तो जैसे हमने चाहे लोकल ट्रेन का डब्बा हो तो लोकल ट्रेन का ही डब्बा लेके बनाओ, तो हमारा जो ट्रेन बन रहा है सिर्फ लोकल ट्रेन के डब्बे से बना है। या मेल ट्रेन ले लो और मेल ट्रेन का डब्बा है ना वही डब्बे को ऐड करके ट्रेन बना दो, तो वो मेल ट्रेन होगी। क्लियर। तो यहाँ पे मतलब क्या है, डब्बे का टाइप सेम होना चाहिए, और जब टाइप सेम होना चाहिए ना मोनोमर का, तो जो पॉलीमर बनेगा उसको बोला जाता है होमोपॉलीमर।
सो डेफिनेशन देख लो द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय सेम काइंड ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड एज यस होमो पॉलीमर. होमो का मतलब होता है गाइस सेम काइंड ऑफ मोनोमर से बनना चाहिए हमारा पॉलीमर. अब यहाँ पे ना हेट्रो पॉलीमर का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है गाइस डिफरेंट. व्हाट डिफरेंट डेफिनेशन देख लो द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू काइंड ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड एज हेट्रो पॉलीमर और ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट गाइस को पॉलीमर. क्लियर. तो यहाँ पे देखो जैसे ये मेरा ना लोकल ट्रेन का डब्बा था, ये लोकल ट्रेन का डब्बा था. अब मैंने क्या किया गाइस, यहाँ पे सपोज लोकल ट्रेन का डब्बा लिया और यहाँ पे मैंने मेल ट्रेन का डब्बा लिया. अब मैंने इसको साथ में लिंक कर दिया. जो ट्रेन मिलेगा उसको आप लोकल ट्रेन भी बोल नहीं सकते या मेल ट्रेन भी नहीं बोल सकते. ट्रेन तो बन रहा है बट मिक्स डब्बे का बन रहा है ना गाइस. ऐसे ही पॉलीमर को बोला जाता है गाइस होमो पॉलीमर और को पॉलीमर. क्लियर गाइस. अब पेज नंबर 133 पे कुछ चार्ट दिया गया गाइस, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है वो भी सॉल्व कर लेते हैं. सो गाइस इफ यू वांट और टेक अ स्क्रीनशॉट. आई होप गाइस ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो. क्लियर गाइस. गाइस पेज नंबर 133 पे कुछ चार्ट दिया गया है, बहुत ही इजी है गाइस ये चार्ट से. यहाँ पे पॉलीमर का नाम दिया गया है मोनोमर और हमारा वहाँ पे कहाँ कहाँ पे मिलता है वो नेचर में वहाँ पे दिया गया है. क्लियर. तो यहाँ पे देखो मोनोमर क्या दिया गया हमारा ग्लूकोज. क्लियर गाइस. और हमें पता है ग्लूकोज को जब पॉलीमराइज करोगे ना तो याद रखना गाइस पॉलीमराइज करोगे तो यहाँ पे अलग अलग वे से, एक होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन, एक होता है लीनियर और एक होता है ब्रांच और एक क्रॉस लिंक भी होता है गाइस. क्रॉस लिंक लाइक स्पाइडर, वो जाला देखा रहेगा ना आपने मकड़ी का स्पाइडर, तो यहाँ पे सेम वो नेट की तरह होता है क्रॉस लिंक, उसको ही बोला जाता है क्रॉस लिंक. क्लियर. तो यहाँ पे ब्रांच देखो अब क्या हुआ है, जैसे हम ट्रेन का डब्बा ज्वाइंट कर रहे हैं ना, तो ट्रेन का डब्बा तो हम ऐसे ज्वाइंट कर रहे हैं ना सिंगल, ये है फिर ये है फिर ये है, ऐसे लाइन से ज्वाइंट कर रहे हैं. बट क्या हो सकता है, हम ऐसे भी ज्वाइंट कर सकते हैं ब्रांच. क्लियर. और बहुत सारे जब मतलब कैसे आपस में ऐसे लिंक करने के ना क्रॉस लिंक, तो इसको बोला जाता है ये वाला मतलब जाली टाइप, तो उसको क्रॉस लिंक बोला जाता है. तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूल तो सेम है बट उनका जो अरेंजमेंट पैटर्न है ना, एक लीनियर है, एक लीनियर के साथ ब्रांच भी है और एक क्या है गाइस क्रॉस लिंक्ड है. क्लियर. तो इसके बेस पे हमारा जो पॉलीमर बनता है उसका नाम भी अलग होता है. क्लियर. तो देखो अब यहाँ पे ना इन दोनों में देखना हमारा पॉलीमर क्या है, पॉलीसैकेराइड. अब यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट जो है हमारा, ग्लूकोज को सैकेराइड्स भी बोला जाता है गाइस. सैकेराइड्स का मतलब होता है शुगर. तो क्या होगा, अब ये ग्लूकोज हमारा जो मोनोमर है वो क्या पॉलीमराइज होगा और हमें क्या देगा गाइस पॉलीसैकेराइड. क्लियर. अब यहाँ ये कहाँ कहाँ पे मिलता है गाइस, स्टार्च में. क्लियर. ये प्लांट के आपने राइस में भी देखा रहेगा काफी स्टार्च प्रेजेंट रहता है. जो हमारा सेकंड है गाइस, ये फर्स्ट था हमारा सेकंड है गाइस, सेम ग्लूकोज को ही लेना है अगेन पॉलीमराइज करना है तो हमें क्या मिलेगा सेल्यूलोज. और सेल्यूलोज कहाँ पे प्रेजेंट होता है गाइस, वुड में और कहाँ पे सेल वॉल ऑफ प्लांट. बट याद रखना इन दोनों का अरेंजमेंट अलग होगा, दोनों तो सेम मॉलिक्यूल है बट यहाँ पे जो पॉलीमर मिल रहा है ना इनका जो अरेंजमेंट होगा ना गाइस, अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर ये अलग अलग होगा, डिफर करेगा यहाँ पे डिफर करेगा. क्लियर. अब हमारा नेक्स्ट है गाइस थर्ड. अब देखो प्रोटीन्स, मैंने बोला ना प्रोटीन्स हमारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर बॉडी. क्लियर. जैसे बिल्डिंग बनती है तो वहां पे जो ब्रिक्स क्या रहता है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट रहता है, वैसे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट रहता है अल्फा अमीनो एसिड. और इसको पॉलीमराइज करोगे ना तो हमारे प्रोटीन्स बनेंगे. और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, मसल्स में, हेयर में. क्लियर. आपको पता रहेगा हेयर में केराटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है. एग में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है गाइस, यस एग में रहता है अल्बुमिन. व्हाट अल्बुमिन. और हर एग में एटलीस्ट 6 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, 6 ग्राम. क्लियर. और हेयर में कौन सा गाइस रहता है, केराटिन.
व्हाट? केराटिन प्रोटीन। और स्किन में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। कभी कभी आप धूप में खेलते रहोगे तो देखोगे ना स्किन टैन हो जाता है, स्किन पूरा डार्क पड़ जाता है। बिकॉज गाइस यहाँ पे जो ऊपर के जो प्रोटीन रहते हैं ना वो डी नेचर हो जाते हैं, मतलब बर्न हो जाते हैं। क्लियर? हमें बर्निंग सेंसेशन नहीं होता, बट जो ऊपर के प्रोटीन स्किन जो स्किन पे प्रेजेंट रहते हैं वो बर्न हो जाते हैं। क्लियर? इसीलिए स्किन टैन हो जाता है। क्लियर? अब एंजाइम्स, अब हमें पता है गाइस एंजाइम्स एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब हम खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारे बॉडी में ना कैटलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं विद इन द बॉडी, उसको ही बोला जाता है एंजाइम्स। एंड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। नेक्स्ट फोर्थ देख लेते हैं डीएनए। क्लियर? अब डीएनए किसका ये पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल सिंगल यूनिट रहते हैं, जब मिलते हैं ना तो ये बनाते हैं डीएनए। एंड सेम गाइस याद रखना ये न्यूक्लियोटाइड भी वही है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड, एक बार डीएनए बना रहा है और एक बार आरएनए। सेम इसकी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, अरेंजमेंट का अरेंजमेंट जो रहता है ना वो डिफर करेगा मोनोमर का। क्लियर? और ये डीएनए में डीएनए ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है? क्रोमोजोम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिकॉज गाइस हमने देखा रहेगा हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर हमें आते हैं, बिकॉज उनका जो क्रोमोजोम से वो हमें ट्रांसफर होता है, जिसे बोलते हैं हेरिडिटी। तो उनका जो कैरेक्टर है वो हमें भी, या थोड़ा फेस कभी मैच करेगा, वॉइस मैच करेगा, थोड़ा प्रॉपर्टी मैच करेगा, बिकॉज उनका क्रोमोजोम हमारे अंदर आता है पेरेंट्स से डॉटर में या सन्स में। क्लियर? अब सेम आरएनए। क्लियर? आई कहाँ प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस में और कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये बायो में सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा रहेगा गाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट है ना सिक्स, वो क्या है गाइस? रबर। मैंने भी बताया ना कुछ देर पहले, जो हम रफ करते हैं ना वो स्टिकी नहीं होता, बिकॉज उसमें सल्फर ऐड करते थोड़ा हार्ड कर देते। बट गाइस हमारे पूरे वर्ल्ड में कम से कम 20,000 रबर ट्री है। व्हाट? रबर ट्री है। बट इस रबर ट्री के कुछ जो स्पीसीज होते हैं ना उसमें से जस्ट 2500 ऐसे स्पीसीज है जिनमें लेटेक्स मिलता है, जिनमें लेटेक्स मिलता है। एंड जिनमें लेटेक्स मिलता है उसी से हम लेटेक्स में से हम प्रोड्यूस करते हैं रबर, सॉरी इसमें से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं गाइस रबर। जैसे मिल्क को बॉईल करो ना तो जिसे क्रीम निकलता है ना, क्रीम पूरे मिल्क का क्रीम नहीं हो जाता, कुछ कुछ यहाँ पे जो पार्ट ऊपर आ जाते हैं वो क्रीमी लेयर को निकाल लेते हैं। वैसे ही गाइस 20,000 ट्री में से, रबर ट्री में से 2500 ऐसे ट्रीज है जिनमें लेटेक्स मिलता है, एंड उसी लेटेक्स में से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या गाइस? रबर, जो स्टिकी मटेरियल होता है। क्लियर गाइस? और एक कहा देखो, लेटेक्स ऑफ रबर ट्री। और गाइस यहाँ पे इसका मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन। व्हाट गाइस? आइसोप्रीन। क्लियर? सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड गाइस अब यहाँ पे ना पेज नंबर 133 पे ही यहाँ पे बगल में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर गाइस? तो गाइस पेज नंबर 133 पे दो क्वेश्चन देके रखा है। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला क्या है गाइस, यहाँ पे दो मोनोमर है, एक ए मोनोमर है और एक बी मोनोमर है, एंड हमें इसको पॉलीमराइज करके हमें प्रोडक्ट बनाना है, मतलब पॉलीमर बनाना है, मतलब उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है गाइस। देखो जैसे इथिन था ना हमारा, इथिन क्या था? सी डबल बॉन्ड सी था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसका पॉलीमर ये अब एज अ मोनोमर लेते थे, इसको एज अ मोनोमर लेते थे, एंड गाइस इसको ही पॉलीमराइज कराते थे ना। तो यहाँ पे ए में किया क्या है देखो, यहाँ पे इसको एज इट इज रखा है, इसको एज इट इज रखा मतलब CH2 रखा है डबल बॉन्ड। ये देखो ये हाइड्रोजन दो आ गए, और यहाँ पे कार्बन का दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या डाला गाइस? CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। क्लियर? तो देखो अगेन वही होगा ना, आप क्या करो यहाँ पे सपोज दो हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन एज इट इज रहने देते थे। अगर यहाँ पे आप ऐसे लिखते थे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे अगर ऐसे दो हाइड्रोजन लिखते थे तो यहाँ पे क्या लिखते थे? ऐसे ही सेम यहाँ पे CH2 और रिपीट होता था। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन हटा के क्या डाला है? CH3 ग्रुप। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सी की जगह पे CH3 आया, और कार्बन से तो बॉन्ड बनने वाला है ना, ये कार्बन आगे रिपीट होने वाला है जाके, और ये भी आगे रिपीट होने वाला है और ये बॉन्ड टूटने वाला है, तो यहाँ पे ये भी हमारा CH3। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा गाइस?
CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो देखो N नंबर हम लोग ने ये लिया, इसका नाम कुछ नहीं लिखना है, नाम हमें नहीं लिखना है गाइस। तो हमारा ये नंबर ऑफ ये लिया, इसको पॉलीमराइज किया, हमारा ये कंपाउंड बना, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, पॉलीमर। तो गाइस मैं इसको रफ कर देता हूँ एक पार्ट को, क्लियर। एंड सिमिलरली गाइस यहाँ पे जैसा CH3 है वहां पे देखो साइनाइड लिया है, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के CH3 ग्रुप लिया और एक हाइड्रोजन हटा के CN ग्रुप। तो सिमिलरली जब बी का करने जाओगे ना, तो यहाँ पे करोगे क्या गाइस, यहाँ पे बी के लिए CN लिखना और ए एज इट इज रहने देना, और इसको लिखना क्या, यस गाइस साइनाइड। तो यहाँ पे बट ये वर्ड लिखना गाइस, ये वर्ड आप जरूर लिखना, मोनोमर। आपको इसका नाम नहीं पता, टेक्स्ट बुक में भी नाम नहीं दिया है, मोनोमर लिखना और यहाँ पे लिखना गाइस पॉलीमर। ये लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, ये मोनोमर और ये पॉलीमर लिख सकते हो, क्लियर गाइस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे उल्टा गाड़ी लेके आना है, रिवर्स में। यहाँ पे क्या दिया था, मोनोमर दिया था, हमें पॉलीमर बनाना था, बट यहाँ पे पॉलीमर दिया है और मोनोमर बताना है कि हम मतलब क्या है, क्लियर। तो देखो ऊपर वाला पार्ट पहले रफ कर देता हूँ, नहीं तो एज इट इज रहने देता हूँ गाइस, आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ सकती है। देखो अब यहाँ पे ना ये वाला पार्ट दिया है, ये बोला है कि मेरा एक्स कंपाउंड है एंड मैंने इसको पॉलीमराइज किया और हमारा पॉलीमर बना, जो पॉलीमर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह दिख रहा है। अब बोला है कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर देख के ना मोनोमर बताओ कि क्या होना चाहिए। तो देखो पॉलीमर का नाम दिया है, पॉलीमर का नाम दिया है गाइस पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल एसीटेट। अब बोला क्या है कि हमें मोनोमर का स्ट्रक्चर एंड नाम भी बताना है, नाम तो पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि जो पॉलीमर का नाम क्या है, पॉलीविनाइल एसीटेट, तो ये विनाइल एसीटेट का ही रिपीटेड स्ट्रक्चर रहेगा ना गाइस। तो मोनोमर का नाम क्या आएगा गाइस, यस विनाइल एसीटेट, विनाइल एसीटेट पॉलीमराइज करके जस्ट नाम क्या लगता है, पॉलीविनाइल एसीटेट। अब करना क्या है, हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है मोनोमर का। तो इस मॉलिक्यूल को देखो आप जरा इससे इसको कंपेयर करो, इसको ना स्टायरीन वाले पार्ट से कंपेयर कर दो ना भाई, स्टायरीन वाले पार्ट से कंपेयर कर दो। तो देखो हमारा स्टायरीन कुछ इस तरह दिखता था, CH2 यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या था गाइस, हमारा बेंजीन रिंग था, क्लियर। ये कुछ इस तरह दिखता था, कुछ इस तरह, और यहाँ पे नहीं तो फॉर्मूला ले लेता हूँ ना उसका, C6H5 ये फॉर्मूला था गाइस। और यहाँ पे इसको क्या बोलते थे आप, पॉलीस्टायरीन, और ये किससे बनता था गाइस, स्टायरीन से। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन लिखते थे, क्लियर। और यहाँ पे स्टायरीन कैसा स्ट्रक्चर था गाइस, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला था C6H5 कुछ इस तरह था, और इसको आप N टाइम्स लेते थे इसलिए यहाँ पे N आता है पॉलीमराइज होके। तो देखो जरा इसको और उसको कंपेयर करो, यस कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा जैसे हमने कुछ ऐड किया था, तो यहाँ पे भी तो कुछ ये पार्ट ऐड दिख रहा है और ये वाला पार्ट ऐड दिख रहा है, बाकी कार्बन टू कार्बन जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया था डबल बॉन्ड का, वैसे ही यहाँ पे होने वाला है कुछ इस तरह, क्योंकि यही पार्ट आगे रिपीट होने वाला है ना, यही डबल बॉन्ड टूटेगा और ये आगे जाके रिपीट होगा, क्लियर गाइस, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो इसका हमें मोनोमर भी मिल गया और इसका नाम भी पता चल गया, क्लियर गाइस। सो इफ यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, सो गाइस आई होप ये पॉलीमर पार्ट एंड मैक्रोमोलिक्यूल पार्ट आपको अच्छा लगा हो। सो प्लीज गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट गाइस, बिकॉज बहुत ही एफर्ट डालना पड़ता है हर वीडियो में एंड बहुत ही नींद हमें मतलब सोना नहीं पड़ता गाइस, बिकॉज ये वीडियो रात को ही पॉसिबल है, दिन में बहुत सो आता है। सो गाइस प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप शेयर करो एंड पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस।